अली अमीन गंडापुर को जिला बदर करने का हुक्म। बल्दियाती इंतखाब वाले किसी भी जिले में दाखिल हो तो निकाल दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को बराह रास्त हुक्म। विफाकी वजीर कई रोज से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के तलब करने पर कोरोना का बहाना बनाकर पेश नहीं हुए। अदालती तारीख का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, अफसरों के लिए प्लॉट स्कीम गैर आइनी करार दे दी। खुसूसी सेक्टर की स्कीम गैर कानूनी और मफाद आमा के खिलाफ है। रियासत की ज़मीन अशराफिया के लिए नहीं, सिर्फ अवामी मफाद के लिए है। फैसले में लिखा है, बेनिफिशरीज में आला अदलिया के जजेस भी शामिल हैं। लगता है वज़ीर आज़म और काबीना को इसके असरात से अंधेरे में रखा गया। एलीट के खजाने को नुकसान पहुँचाकर अमीर होना आइनी माशरे में नाकाबिले तसव्वुर है। वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। शाह महमूद कुरैशी और शौकत तरीन समेत काबीना अरकान और सीनियर हुकाम भी हमरा है। इमरान खान की चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। कई मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म सरमाई ओलंपिक्स गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। It is not a requirement for any country around the world to choose between the United States and China. It is our intention to provide choices to countries when it comes to what the relationship with the United States looks like. And we think partnership with the United States conveys a series of advantages that countries typically would not find when it comes to sorts of relationships that the PRC has sought to have around the world. चीन से वो फवायद नहीं मिल सकते जो अमेरिका से मिलेंगे। ज़रूरी नहीं अमेरिका या चीन में से किसी एक का इंतखाब किया जाए। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का वज़ीर आज़म की बीजिंग आमद से पहले अहम बयान। नेट प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इससे ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान पर मजीद $1 अरब का कर्जा चढ़ गया। वफाकी वज़रा खुश। आलमी मालियाती इदारे ने खबरदार कर दिया। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई और करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। बजट खसारा 6.9% और हुकूमती कर्जे GDP के 82% तक रहेंगे। IMF का पाकिस्तान पर इनकम टैक्स और GST इस्लाहात जारी रखने पर जोर। हुकूमत पर बिजली बनाने वाली निजी कंपनीज का कर्ज पहाड़ बन गया। PTI दौर में गर्दशी कर्जों में 1600 अरब का इजाफा। 2018 का गर्दशी कर्जा बढ़कर 2700 अरब तक जा पहुंचा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। पेट्रोलियम डिवीजन का जवाब न आने पर चेयरमैन कमेटी राना तनवीर का इजहार बरहमी। नवाज शरीफ के मामले पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने होम सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। साबिक वज़ीर आज़म की सेहत से मुतालिक दस्तावेजात मेडिकल बोर्ड को देने की हिदायत। नवाज शरीफ की वतन वापसी के जामिन शहबाज शरीफ हैं। मेडिकल बोर्ड की राय के बाद शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद शुरू। कराची की पुरानी सब्जी मंडी पर कायम अस्करी पार्क KMC के सपोर्ट। पार्क का नया नाम KMC अम्यूजमेंट पार्क रख दिया गया। पार्क में कायम शादी हॉल साबिका इंतजामिया ने खत्म कर दिया था। पार्क में आवाम का दाखिला मुफ्त। पंजाब के वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायू की बदहवासियाँ। प्राइवेट कॉलेजेस में BS ऑनर्स डिग्रियों में मखलूत तालीम के खात्मे के बयान हल्फी से लाइल निकले। 24 न्यूज़ ने खबर दी तो फेक न्यूज़ करार दे दिया। महकमा पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने को एजुकेशन पर पाबंदी की शर्त वापस लेने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इल्ज़ाम लगाने वाले वजीर साहब ने माजरत भी नहीं की। कोरोना का एक और होलनाक दिन। 42 अफराद मौत के मुंह में चले गए। एक दिन में 6000 के करीब मरीज आए। शरह 10% रही। मुजफ्फराबाद में शरह सबसे ज्यादा 44% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में कोरोना टेस्ट का डेटा गायब। मैसेज पर मिलने वाले टेस्ट रिपोर्ट्स भी बंद। शहरी कोरोना रिपोर्ट्स के लिए मारे मारे फिरने लगे। भारत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा और रुकन असम्बली असदुद्दीन की गाड़ी पर फायरिंग। असदुद्दीन अवैसी हमले में बाल बाल बच गए। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम मुकम्मल करके दिल्ली आ रहे थे कि नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत के बखिए उधेड़ दिए। कहते हैं मोदी हुकूमत ने भारत की बुनियादें खोखली कर दी। आरएसएस और बीजेपी भारत के जोड़ों में बैठ गई। मकबूजा कश्मीर और खारजा पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक गलतियां की। मोदी की नाअहली से पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के मजीद करीब आ गए। सऊदी अरब में पहला रोज़ा 2 अप्रैल बरोज़ हफ्ता होगा। ईद उल फितर 2 मई को मुतवक्के। सऊदी माहिर फल्कियात डॉक्टर अब्दुल्ला मसनत के मुताबिक शबान 29 दिन जबकि रमज़ानुल मुबारक 30 दिन का होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में पहला रोज़ा 3 अप्रैल जबकि ईद उल फितर 3 मई को होने का इम्कान। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की इनिंग्स। लाहौर, कसूर, नारोवाल में रिमझिम से, मरी में रात से वक्फे से बर्फबारी। नज़ारे इंतहाई दिलफरेब। सयाहों के बगैर मरी में वीरानी। हवेली, कोहट्टा, नीलम वादी समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी बर्फ पड़ी। कराची में गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला जारी। अदाकारा मीरा का शादी ना होने का दावा गलत है। अदाकारा ने कोई ऐसा शवाहिद पेश नहीं किया जिससे निकाहनामा जाली साबित हो सके। फैमिली कोर्ट के फैसले में कोई गैर कानूनियत नहीं पाई गई। अपील का कोई मेरिट नहीं, लिहाजा अपील मुस्तरद की जाती है। लाहौर की अदालत का तफसीली फैसला जारी।